डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी तरफ मैं आऊंगी। आप डॉक्टर साहब की और ये मकबूल जान साहब की बात में कुछ ऐड कर रहे थे सर। देखिए बड़ी बड़ी क्लियर होती जा रही है पिक्चर। और आपको याद होगा समीना के चंद रोज पहले, जब दो चार रोज पहले जब ट्रांसमिशन हो रही थी तो उस वक्त भी मैंने बात की थी। अब मैं उस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके पैराए में जी देखें, फवाद चौधरी साहब बहुत बड़ी खबर दे गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक जरदारी साहब सिंध असेंबली नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक पंजाब और के पी असेंबली हम क्यों तोड़ें। केपी और पंजाब वाले भी कहेंगे कि हम असेंबली नहीं तोड़े और हम सिर्फ कौमी असेंबली में इलेक्शन चाहते हैं। अच्छा अब यहां पे आप जरा ये चेक कीजिएगा कि कल शाम को या कल रात को क्या परवेज अलाई साहब और मुनस अलाई साहब और वो मिले नहीं आपस में और रब्ता नहीं हुआ। ये तो खबरें हैं ना जो हमने सुनी है, लेकिन असल बात जो जरदारी साहब मैसेज लेकर आए थे, अभी खबर है, जरदारी साहब मैसेज ये लेकर आए थे कि आप को हम मुश्तरका उम्मीदवार बना देते हैं। ये तो खबर चल गई, ठीक है ना, ये खबर लाए थे कि हम परवेज अली साहब आपको मुश्तरक, वहां पर नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी उनकी। अच्छा खैर उसके बाद ये हुआ कि बात नहीं चली, ये हो गया वो हो गया, वो चले गए वापस। लेकिन ये तय हो गया कि परवेज अली साहब असेंबली नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, ये तय हो गया। और ये वो बात है जो कि अभी फवाद चौधरी साहब ने एक और पैराए में की कि जब तक जरदारी साहब सिंध असेंबली नहीं तोड़ेंगे हम भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला जरदारी साहब की तरफ से आया कि भाई आप असेंबली ना तोड़े तो मैं भी नहीं तोड़ रहा। ये पीछे मामलात कहीं तय हुए हैं, ये मामला तय हो गए हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फवाद चौधरी साहब बहुत बड़ी खबर दे गए हैं। इससे पहले यह बात चल रही थी कि इमरान खान साहब फौरन इशारा करेंगे और असेंबली टूट जाएगी। इमरान खान इसका मतलब इशारा नहीं करने जा रहे, अभी इशारे का इंतजार होगा कि जरदारी साहब कब सिंध असेंबली तोड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो, मैंने आपसे चंद रोज पहले एक बात कही थी कि अभी आप जरा मरियम नवाज साहबा का ट्वीट देखें, वो कह रही हैं कि पंजाब को हम पिंकी गोगी फराह साहबा के हवाले नहीं कर सकते और बुजदार के हवाले। क्या उन्होंने चौधरी परवेज अली साहब का नाम दिया है? भाई पिंकी और पिंकी गोगी और बुजदार तो नहीं बनने जा रहे ना वजीर आला पंजाब, वजीर आला पंजाब तो बनने जा रहे हैं परवेज अलाई साहब। क्या आपने परवेज अलाई साहब का नाम सुना है उस ट्वीट में? नहीं सुना, नहीं सुना, ठीक है। तो ये दूसरी बात, इस पर जरा गौर फरमाएं सारे हमारे जो अहबाब हैं। और तीसरी बात ये, इस बात पे गौर फरमाएं और याद करें कि मैंने चंद रोज पहले एक बात कही थी, समीना साहबा आपको यकीनन याद होगी और मुझे उम्मीद है कि इमरान साहब को भी याद होगी। मैंने कहा था अगर मुंतखब होने के बाद परवेज अलाई साहब को शहबाज शरीफ साहब फोन कर दें बतौर वजीर आजम और एक बात दें तो क्या परवेज अलाई साहब फोन नहीं उठाएंगे बतौर वजीर आला पंजाब जी? और क्या उनको जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब मुबारकबाद दें तो क्या वो फोन नहीं उठाएंगे? गौर करें मरियम नवाज साहबा के ट्वीट पे, बुजदार परा पिंकी गोगी के हवाले। ये डॉक्टर साहब जो मैं आपकी बात से सारा सुन समझ रही हूँ, इसका मतलब है हम ये समझे कि कोई चौधरी साहब की बात है, जब तक नहीं तोड़ेंगे असेंबली जरदारी साहब तो पंजाब और केपी के इसका मतलब है कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनने जा रहा है इन सब आपस में। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बड़ी जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल आपने सामने रख दी है। अब मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब की बात को सही मान लेते हैं कि असेंबलियां नहीं टूटेंगी सूबाई, वो सिर्फ कौमी असेंबली के इलेक्शन चाहते हैं, तो क्या अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून क्या ये कबूल करेगी कि पंजाब में परवेज अलाई साहब की हुकूमत हो और उस हुकूमत के तहत इंतहाबात हो? यानी मुस्लिम लीग नून? जी सर, इम्पॉसिबल जी। देखें पंजाब में जो अगर वजीर आला बनते हैं परवेज अलाई साहब तो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौन होगा? हमजा शहबाज। हाँ जी, तो क्या यहाँ पे क्या क्या इशू है यहाँ पे? नहीं नहीं, अगर कोई भी नहीं है और वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है शुजात साहब और उनके साहबजादे जो हैं। देखिए अगर उन्होंने जरदारी साहब को कल रात को भेज दिया कि हम आपकी बात नहीं सुन रहे, तो उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि उन्होंने माइक लगाइएगा प्लीज, उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि उन्होंने ये कहा हो कि जी चौधरी सालिक साहब जो हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और वो जो हैं वो आइंदा से जो हैं वो पीडीएम में नहीं बैठेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना दोनों तरफ से। ये है कि ये सियासत है और सियासत के अंदर
ये तो एक तरह से देखो, और देखें ये परवेज इलाही साहब ने नहीं बात की, ये फवाद चौधरी साहब ने बात की, इसका मतलब एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है ना कि असेंबलियां नहीं तोड़नी अभी पंजाब की। लेकिन डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं, वैसे तो आप फवाद चौधरी साहब के उसमें बात कर रहे हैं कि जो वो खबर देखे गए जिससे आपको ये तासुर मिला, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब स्टेटस को बरकरार रखने की किसी अंडरस्टैंडिंग पे यस कर देते हैं तो इससे उस आपको लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, इससे उन्हें क्या फायदा होगा? क्योंकि उन्हें तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, परवेज इलाही वजीर आला बन जाएंगे, बाकी सब चीजें वैसे ही हैं, तो खान साहब क्यों इस चीज के लिए अग्री करेंगे? देखें मैंने तो फवाद चौधरी साहब की बात को मैंने दोहराया है, दो बातें, एक तो खत वाली बात और दूसरी बात मैंने ये की कि उस वक्त हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, देखें। और परवेज इलाही साहब जीत गए, यानी फर्ज करें परवेज इलाही साहब जीत गए, ये भी हो सकता है कि कुछ सरप्राइज हो जाए, लेकिन परवेज इलाही साहब जीत गए और लोगों ने कहा कि जी खुशियां मनाएगी, सब कुछ हुआ, मेरा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये फवाद चौधरी साहब एक मरकजी रहनुमा है, मतलब साथ हैं बिल्कुल, इमरान साहब का राइट हैंड है, वो ये कह रहे हैं कि जी जब तक सिंध हुकूमत नहीं टूटेगी तो उस वक्त तक पंजाब और केपी हुकूमत नहीं टूटेगी, आई रिपीट, ये उनका जुमला है। और इलेक्शन जो हैं तो मैंने उनसे पूछा कि भी इलेक्शन कैसे होंगे फिर, तो उन्होंने कहा कि फिर तो ये कौमी सूबाई असेंबली पूरा साल पूरा करेंगी, ये उनके जुमले मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है, उन्होंने कहा सूबाई असेंबली अपना, तो मैंने इलेक्शन कहां होंगे, तो उन्होंने कहा इलेक्शन वफाक में होंगे। तो ये मैं बात जो है मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, मैं वो बात कह रहा हूं जो फवाद चौधरी साहब ने की है कि उन्होंने कहा कि फिर एक साल पूरा करना पड़ेगा सारी असेंबलियों को, फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तोड़ेंगे तो केपी, और देखिए एग्जैक्ट जुमले हैं ये उनके जो मैं दोहरा रहा हूं जी, हम भी अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग के लिए। सवाल ये कि यही तो फॉर्मूला है जरदारी साहब का फॉर्मूला, और क्या है कि मैंने सिंध हुकूमत बचानी है, इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला है मुझे बताएं। ठीक चलिए, तो बात यह है कि और तो इसमें वो अगर परवेज इलाही ये बात उन्होंने की कि जी केपी और पंजाब कहते हैं कि हम क्यों तोड़े पहले जरदारी साहब, जरदारी साहब क्यों तोड़ेंगे, और जरदारी साहब आए इसलिए थे कि मैंने मेरी पहले आप वाली सिचुएशन, तो अगर जरदारी साहब का ये सिंध असेंबली वाला फॉर्मूला चल गया है तो फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा लेकिन मैं एक चीज और ये दुआएं में रखें, परवेज इलाही साहब के लिए दुआएं खैर हो चुकी है थोड़े दिन पहले पीडीएम की तरफ से, एक्सेप्टेबल है उनके लिए, तो पहले से वो तो उनके कैंडिडेट भी। देखें मैंने तो फवाद चौधरी साहब की बात को मैंने दोहराया है, दो बातें, एक तो ये खत वाली बात और दूसरी बात मैंने ये की कि उस वक्त हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, देखें। और परवेज इलाही साहब जीत गए, चलिए फर्ज करें परवेज इलाही साहब जीत गए, ये भी हो सकता है कि कुछ सरप्राइज हो जाए, लेकिन परवेज इलाही साहब जीत गए और लोगों ने कहा कि जी खुशियां मनाएगी, सब कुछ हुआ, मेरा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये फवाद चौधरी साहब एक मरकजी रहनुमा है, मतलब साथ हैं बिल्कुल, इमरान साहब का राइट हैंड है, वो ये कह रहे हैं कि जी जब तक सिंध हुकूमत नहीं टूटेगी तो उस वक्त तक पंजाब और केपी हुकूमत नहीं टूटेगी, आई रिपीट, ये उनका जुमला है। और इलेक्शन जो हैं तो मैंने उनसे पूछा कि भी जी इलेक्शन कैसे होंगे फिर, तो उन्होंने कहा कि फिर तो ये कौमी सूबाई असेंबली पूरा साल पूरा करेंगी, ये उनके जुमले मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है, उन्होंने कहा सूबाई असेंबली अपना, तो मैंने इलेक्शन कहां होंगे, तो उन्होंने कहा इलेक्शन वफाक में होंगे। तो ये मैं बात जो है मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, मैं वो बात कह रहा हूं जो फवाद चौधरी साहब ने की है कि उन्होंने कहा कि फिर एक साल पूरा करना पड़ेगा सारी असेंबलियों को, फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तोड़ेंगे तो केपी, और देखिए एग्जैक्ट जुमले हैं ये उनके जो मैं दोहरा रहा हूं जी, हम भी अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग के लिए। सवाल ये कि यही तो फॉर्मूला है जरदारी साहब का फॉर्मूला, और क्या है कि मैंने सिंध हुकूमत बचानी है, इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला है मुझे बताएं। ठीक चलिए, तो बात ये है कि और तो इसमें वो अगर परवेज इलाही ये बात उन्होंने की कि जी केपी और पंजाब कहते हैं कि हम क्यों तोड़े पहले जरदारी साहब, जरदारी साहब क्यों तोड़ेंगे, और जरदारी साहब आए इसलिए थे कि मैंने मेरी पहले आप वाली सिचुएशन, तो अगर जरदारी साहब का ये सिंध असेंबली वाला फॉर्मूला चल गया है तो फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा लेकिन मैं एक चीज और ये दुआएं में रखें, परवेज इलाही साहब के लिए दुआएं खैर हो चुकी है थोड़े दिन पहले पीडीएम की तरफ से, एक्सेप्टेबल है उनके लिए, तो पहले से वो तो उनके कैंडिडेट भी।